धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक बार पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी ने सत्संग में फरमाया कि एक राजा की 7 रानियाँ थी। उनमें से 6 रानियाँ तो बिल्कुल ठीक थी, सियाणी थी, मगर जो 7वीं थी वो थोड़ी सीधी सादी थी। एक बार राजा किसी काम के सिलसिले में बाहर जाने लगा तो उसने सभी से पूछा कि अगर आपने बाहर से कुछ मंगवाना है तो मेरे को बता दो, आने के टाइम मैं सभी को सामान ले दूंगा। सभी रानियों ने किसी ने कुछ मंगवाया तो किसी ने कुछ मंगवाया। फिर वो 7वीं रानी के पास भी गया। राजा ने उससे कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर आपने कुछ सामान मंगाना है तो मेरे को बता दो। वो 7वीं रानी कहने लगी कि बादशाह सलामत, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को तो सिर्फ आप चाहिए। राजा कहने लगा ठीक है। राजा कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया। जब वो वापस अपने राज में आया तो उसने सभी रानियों को उनका अपना अपना सामान दे दिया। सामान देने के बाद वो खुद 7वीं रानी के पास चला गया। सोचो, जिस रानी के पास बादशाह खुद है उसको किस चीज़ की कमी है। इसी तरह ही पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि संसार में अगर कोई मांगने वाली चीज़ है तो सतगुरु से सिर्फ सतगुरु को ही मांगना चाहिए। जहाँ सतगुरु का भजन सिमरन है वहाँ रीतियाँ सिद्धियाँ अपने आप ही आ जाती है। वाणी में ठीक लिखा है, प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध। एक जगह और भी लिखा है, थिर घर वैसो हरिजन प्यारे, सतगुर तुमरे का सवारे। आप फरमाते हैं कि आप पूरे विश्वास और भरोसे के साथ भजन सिमरन करो, वो सतगुर आपके सभी काम करेगा। कोई मांगने की जरूरत नहीं। अगर हम बाहर के दुनियावी पदार्थ मांगते हैं तो उनमें कभी सुख और शांति नहीं मिलेगी। वाणी में लिखा है, बिन तुद होरजे मंगना, सिर दुखा के दुख, दे नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। तो पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी ने फरमाया, उस मालिक की भक्ति करने पर नामदेव की छपरी बनाई, धन्य भक्त की गौएं चराई, द्रौपदी की लाज रखी। वो परमात्मा कोई ना कोई रूप धार के हर जीव की जरूर संभाल करता है। अगर तो फिक्र करना है तो सिर्फ भजन सिमरन का फिक्र कर, बाकी दुनियावी फिक्र सारे बेकार हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।